हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नोने की रसोई। आज हम बनाएंगे शाही पनीर बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जुड़ जाएं हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं 8 से 10 लोगों के लिए शाही पनीर। शाही पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6 टमाटर, 5 प्याज मीडियम साइज के लिए है, 1 टुकड़ा अदरक का, 10-11 लहसुन कली की और 4 हरी मिर्च, 2 बड़ी चम्मच किशमिश, 10 से 11 काजू जिनको हमने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब हम प्याज को रफली चॉप कर लेंगे। इसी तरह से हम टमाटर अदरक को भी रफली चॉप कर लेंगे। ये देखिए हमने सबको चॉप कर लिया है। अब ले लेते हैं एक कढ़ाई में, डाल लेते हैं 3 चम्मच ऑयल। आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हम तब तक भूनेंगे, प्याज जब तक हल्की ब्राउन नहीं हो जाती है। अब ये देखिए प्याज भून गई है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक हरी मिर्च सब डालकर अच्छे से भून लेंगे। में ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसमें हम काजू को भी ऐड कर लेंगे जो हमने भिगो के रखी हुई थी। अब इनको अच्छे से भून लेते हैं जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। सॉफ्ट हो गया यानी भुन चुका है। अब इसको ठंडा करके ग्राइंडिंग जार में डालकर स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से स्मूथ पेस्ट बनाना है। ले लिया है फ्राई पैन, डाल दिया इसमें 1 चम्मच घी और डाल लेते हैं थोड़ा सा हींग, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हल्दी। और 1 छोटी चम्मच धनिया और सौंफ का पाउडर, 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च, इससे ग्रेवी में अच्छा कलर आता है, और 2 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। अब टमाटर प्याज का पेस्ट ऐड करके इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इन्हें अच्छे से भूनना है, मसालों को मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। मसालों को लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक मसालों से ऑयल बाहर दिखने लगे। में डाल दिया हमने 1 चम्मच गरम मसाला। पेस्ट को लगातार चलाते रहेंगे जिससे ये जो पेस्ट है तली में ना लगे। ये थोड़ा भुन चुका है अभी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया है और थिक होने लगा है। अब इसमें ऐड कर देते हैं 2 चम्मच मलाई। यहाँ पे हमने 2 बड़ी चम्मच मलाई ऐड की है। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए मसाला भून चुका है। इसको भूनने में 6 से 7 मिनट का समय लगा है। इसमें हमने पानी डाल दिया है। पानी आपको ग्रेवी पतली गाढ़ी जैसी भी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कीजिए। यहाँ पर मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड किया है। और इसमें डाल देंगे किशमिश। और डाल देंगे नमक स्वादानुसार, क्योंकि टमाटर प्याज में हम पहले भी नमक डाल चुके हैं। उबाल आने तक ढककर पका लेंगे।
उबाल आ चुका है, अब इसमें ऐड कर देते हैं 200 ग्राम पनीर के टुकड़े। ये 200 ग्राम पनीर लिया है हमने। पनीर डाल के 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे सिम फ्लेम पर, जिससे सारे मसाले पनीर में अच्छे से भर जाए। और ये पक चुका है, अब इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच चीनी स्वीटनेस के लिए। रेडी है हमारा शाही पनीर। बस इसमें हमने डाल दिया है चॉप किया हुआ हरा धनिया। शाही पनीर को हमने हरे धनिया और क्रीम से गार्निश किया है। बहुत ही आसान तरीके से बनाया है हमने यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल में शाही पनीर। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे साथ। बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी रेसिपी की नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।